जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट जो प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, अभी पुलिस जो है यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें डिटेन कर रही है। आप देख सकते हैं कि इस समय जो है प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जो कर रहे थे एस्पिरेंट्स, उनके जो डिटेन किया जा रहा है और पुलिस की कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है और इनके खिलाफ विरोध जो प्रदर्शन जेकेएसएसबी के खिलाफ किया जा रहा था, एपटेक कंपनी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे कि ऐसी कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उसको एग्जाम कंडक्ट करवाने का जो काम दिया है उसके विरोध में लगातार कल भी प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन था, आज भी है और आज पनामा चौक में ये प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन था। यहाँ पर अभी पुलिस की कार्रवाई जो है शुरू हो गई है और डिटेन किया जा रहा है जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। जेकेएसएसबी ने जैसे अनाउंस किया है कि इसी महीने 15 मार्च से लेके एग्जाम होने हैं और जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स उसको लेकर काफी विरोध में हैं और डिमांड लगातार यही है कि एपटेक कंपनी को हटाया जाए, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जो है वो हटाया जाए। ये देखिए उनको लेके चलते हैं, आइए। प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन अभी भी यहां पर चल रहा है, ये बाहर ना निकले उसके लिए कोशिश की जा रही है कि ये सड़कों पे ना आए और कुछ लोगों को जो है डिटेन किया गया है और बाकी एस्पिरेंट्स अभी यहीं पे हैं। उनको पुलिस की तरफ से हिदायत दी जा रही है कि वो इस पार्क के अंदर ही रहें, बाहर आने की कोशिश ना करें और दोबारा से उनको अंदर भेजा है क्योंकि कल पुलिस की कार्रवाई हुई थी जिसमें लाठी चार्ज हुआ था जिसका कड़ा विरोध किया गया और आज कोशिश यही है कि ऐसी नौबत ना आए। और इसको लेकर देखिए यहाँ पे प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जो है अभी भी चल रहा है और पुलिस जो है इस समय इनको वापस इस पार्क में भेज रही है कि चले जाएं। कुछ एस्पिरेंट्स और कुछ जो लीडर्स हैं उनको डिटेन कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस समय नारेबाजी जो है लगातार है की जा रही है जेकेएसएसबी और एपटेक के खिलाफ। कल से लगातार डिमांड है इनकी कि एपटेक कंपनी को वापस किया जाए, उसको हटाया जाए। सर लास्ट टू ईयर से वैसे भी आपको पता है जेएंडके में स्कैम्स आम है, कल भी बच्चों ने बहुत प्रोटेस्ट करा। वी वर अपीलिंग दैट स्टेट गवर्नमेंट जो एलजी प्रशासन के अंडर है तो वो एस्पिरेंट्स की जेन्युइन डिमांड थी कि इस एग्जाम को रिस्टेट नहीं करें। मैं रात देर रात प्रेस रिलीज आती कि क्या लग रहा है कि क्या पुलिस जो है फिर से कार्रवाई की मूड में है कि आपको यहां से हटाया जाए और आपका प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हो? क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से भी कोई नहीं आ रहा आप सब? कोई भी अभी तक, वैसे भी जो बीजेपी फेवरिंग पार्टी है हमें लग रहा है उनके लीडरशिप से कोई आएगा और अभी तक कोई नहीं आया। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन दबाव डाल रही है कि बच्चों को यहाँ पे जो प्रोटेस्ट पीसफुली कर रहे हैं उनको हटाया जाए ताकि उनकी जेन्युइन जो डिमांड है उसको यहाँ रखा नहीं जाए। मगर हमारी डिमांड है कि एपटेक को हटा दिया जाए, बच्चे पूरे तैयारी में है, वो पेपर दे देंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि पुलिस भी अब जो इस समय यहाँ पहुंची है उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है और ये देखिए डिटेन भी कर रही है। यहाँ पर डिटेन करते हुए पुलिस की कार्रवाई शुरू है कि जो
भी जहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं, जहाँ लीडर्स हैं, उनको यहाँ से हटाया जाए, जो डिमांड कर रहे हैं कि एप्टेक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको हटाया जाए। अब उसी को लेकर पुलिस इस समय अपनी कार्रवाई के मोड में है। यहाँ से जल्द जो है प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटर जो है एस्पिरेंट्स हैं वो हट जाए। एस्पिरेंट्स आप देख सकते हैं कि अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, जिस तरह से दो दिन से लगातार उनका प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है। और आप भी लगातार, आप एस्पिरेंट हैं? हाँ जी। तो आप लगातार दो दिन हो गए, कोई भी सरकार की तरफ से सुध लेने नहीं आ रहा, आपकी इस बात को लेकर क्या कहेंगे? सरकार निकम्मी है, इस बात से पता चल गया कि सरकार, हम यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका क्या मतलब लगता है कि हमें यहाँ पे डिटेन, हम क्या क्रिमिनल्स हैं कोई, हम क्या यहाँ पे कोई क्राइम कर रहे हैं? तो हम, जब सरकार हमारी नजर में फेल है, बीजेपी फेल है, मनमोहन सिन्हा भी फेल है। कल भी, कल लाठी चार्ज हो गया, आज भी आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस भी यहाँ पे तैनात है, लेकिन क्या वजह है कि सरकार एप्टेक जैसी कंपनी, जिसके खिलाफ अब कई सारे तथ्य भी जो बाहर आ गए, इनको पैसा, पैसा खाना है इनको, ठीक है, पैसा खाया हुआ इन्होंने, उसी हिसाब से रिक्रूटमेंट करानी है। बच्चों का भविष्य का क्या? बच्चों का भविष्य अंधेरे में है, जब तक ऐसे करप्ट ऑफिसर बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, हम लोगों का क्या होगा? हम लोग तीन तीन साल से एक एक नौकरी नहीं हमें मिल रही है, नौकरी कहाँ से मिल रही है, एग्जाम ही नहीं हो रहा है, चुके हैं ये लोग। सरकार ये दावा करती है कि 26,000 वो नौकरियां निकाल रही है, अगर ये 26,000 से 20,000 तो मनोहर सिन्हा ने खुद कर दी, 6,000 तो उनके दो दिन में खुद से कम है हो गई। और मनोहर सिन्हा तो इतनी देर से बच्चे कर रहे हैं, आप बात भी नहीं कर सके, हमारे कुछ सवालों के आप जवाब भी नहीं दे सके। इतने बड़े तुम एलजी हो, तुम्हारा पूरा यूथ यहाँ बैठ के परेशान हो रहा है, मनोहर सिन्हा क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? उनको आना चाहिए, बच्चों की बात सुननी चाहिए। धन्यवाद। तो साफ तौर पर यहाँ पर आपको लग रहा है कि नाराजगी नजर आ रही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि किसी भी तरह से इन बच्चों की आवाज सुनने के लिए अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी अफसर यहां पे पहुंचा नहीं है। इनकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है कि एप्टेक जैसी कंपनी जो हायर की गई है जेकेएसएसबी द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, उसका जो पास रिकॉर्ड देखते हुए जिसमें कई तरह के उसके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, स्कैम्स हैं, इवन कि कई जगह उन पर पेनल्टी भी जो है कई कोर्ट्स ने उस पर लगाई हुई है, ऐसी कंपनी को हायर किया गया है, इनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। फिर से पुलिस यहाँ पर पहुंची है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस प्रोटेस्ट को यहाँ से खत्म किया जाए। पुलिस इस समय बातचीत कर रही है जितने भी जो एस्पिरेंट्स यहां पर हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, कि वो यहां से जल्द हट जाएं, लेकिन ये लगातार अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक प्रशासन की तरफ से कोई यहां पर इनकी बात सुनने नहीं आएगा तब तक यहां से नहीं हटेंगे। हर तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सौ की तादाद में जो एस्पिरेंट्स हैं इकट्ठे हो गए हैं और नारेबाजी जो है एप्टेक कंपनी के खिलाफ इस समय की जा रही है। एक ही उनकी बार बार एक ही डिमांड को रेज कर रहे हैं कि एप्टेक कंपनी को हटाया जाए, किसी रिलायबल कंपनी को जो है ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो सिक्योर हो सके। नौकरियां जिस तरीके से सरकार एडवर्टीजमेंट निकाल रही है और दावे कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा नौकरी हुई, लेकिन तब तक क्या फायदा जब तक फ्री और फेयर मैनर से जो है
एग्जाम नहीं हो पाए, और अगर एग्जाम जब होते हैं तो उसके बाद कई तरह से स्कैम भी इसमें आकर निकलते हैं। इसी को लेकर काफी गुस्सा है इनको, चाहे जैसे जेके पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेकर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट को लेकर काफी सारी परेशानियों को झेलना पड़ा बच्चों को, क्योंकि कई तरह के स्कैम निकल आए। और आज फिर से इनको एक नया जो डर सता रहा है कि फिर से जो है एक ऐसी कंपनी एग्जाम ले रही है, कल एग्जाम दिया जाएगा, फिर से इसमें कोई स्कैम निकल आएगा, फिर से उनका समय भी बर्बाद होगा। इसके डर को लेकर इनकी एक जेन्युइन डिमांड है कि एपटेक कंपनी को जो है उसको इस कॉन्ट्रैक्ट से खत्म किया जाए, इसको हटाया जाए, और नई और ट्रांसपेरेंट कोई एग्जाम करवाने वाली कंपनी है, रिलायबल कंपनी है, उसको उसको जो है वो ये काम दिया जाए। ये कुछ डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं, जिसको लेकर यहाँ पर इस समय कई सौ की तादाद में बच्चे हैं, प्रोटेस्ट डिमांड, प्रोटेस्ट डिमांड है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड की जा रही है।